गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की वीकली टेस्ट 6 में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। फाइंड द मिसिंग टर्म 120, 146, 166, 200, 220। नेक्स्ट टर्म क्या होगी? आपको एक मिनट का टाइम दिया जाता है, शुरू कीजिए। नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है 120, 146, 166, 200, 220। नेक्स्ट टर्म क्या होगी? जी, टाइम खत्म होता है। हमारा आंसर है सी। देखते हैं कैसा आया। सबसे पहले आप देखिए, ये स्टार्ट हो रहा है 11 स्क्वायर माइनस 1। 11 का स्क्वायर होता है 121, माइनस 1 करेंगे तो 120 आ जाएगा। फिर है 12 का स्क्वायर प्लस 2, मीन 144 प्लस 2 करेंगे तो 146 हो जाएगा। फिर 13 स्क्वायर माइनस 2, 3 मीन्स 169 माइनस 3 हो जाएगा 166। ठीक है, इसी तरह 14 स्क्वायर प्लस 4 करेंगे, 196 प्लस 4 करेंगे 200। फिर 15 स्क्वायर माइनस 5 करेंगे और क्या करेंगे, 16 स्क्वायर प्लस 6। जब 16 स्क्वायर प्लस 6 करोगे तो आंसर आएगा 262। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग टर्म 42, 44, 38, 23, 55, 28, 37। नेक्स्ट टर्म 39। बताइए क्या होगा। सोचिए जल्दी से। मिसिंग टर्म इन द फिगर वाला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लॉजिक लगाना होता है बस। यस, टाइम अप। बताइए क्या आंसर आया। आंसर आया ए, 22। देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है 42 और 38, इनका डिफरेंस कितना हुआ 4। तो 4 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। इसी तरह 23 और 28 दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हुआ 5। 5 को मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा 55। इसी तरह मैं 37 और 9, ये हुआ 2। 2 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा 22। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन ए सर्टेन कोड जुबिन मीन्स एटको एंड मेहता विल बी कोडेड एज। बताइए, टाइम स्टार्ट नाउ। सोचिए, कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है। जो 18 टॉपिक आते हैं एनटीएससी में वो मैं ले रहा हूँ। आप वीकली वीकली प्रैक्टिस किया करो जिससे आपको फायदा मिले और आप एनटीएससी 2020 में 100% सेलेक्ट हो। ठीक है, अगर आपको एनटीएससी 2021 देना है या फिर 22 देना है तब तो और भी बेहतर है, आपकी प्रैक्टिस और भी बड़ी हो जाएगी और रैंक और भी शानदार आ जाएगी। कीजिए,
यस बेटा, टाइम अप। आंसर इज बी, NDISB। देखिए क्या हो रहा है, अगर ये और टर्म है, और टर्म मीन्स ये वाली फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म, तो ये तो अपनी नेक्स्ट टर्म आ रही है, मीन्स जेड का खत्म हो गया, तो जेड की अगली टर्म आ गई ए, बी की अगली टर्म आ गई सी और एन की टर्म आ गई ओ, ठीक है। और जो इवन टर्म है वो वापस जा रही है, मीन्स यू का हो गया टी और आई का हो गया एच, ठीक है। तो मीन्स और टर्म तो जाएगी आगे और इवन टर्म जाएगी पीछे। तो देखिए, एम का हो जाएगा एन, एच का होएगा आई और ए का हो जाएगा बी। बताइए, एन आई बी, ए और बी ऑप्शन में। फिर ई का हो जाएगा पहला वाला, ई का पहला हो जाएगा डी और टी का भी पहले, मीन्स एस। समझ में आ गया, मीन्स ऑड टर्म को तो आपको प्लस वन करना है और इवन टर्म को आपको माइनस वन करना है, तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ये हमारा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाला हैड अ चिल्ड्रंस पार्टी एंड बॉट टू एप्पल्स फॉर ईच इनवाइटेड, हाउएवर क्वार्टर ऑफ किड्स इनवाइटेड डिडंट कम, 16 बॉयज केम एंड द सरप्लस प्रोवाइडेड जस्ट वन एक्स्ट्रा एप्पल फॉर ईच गर्ल, हाउ मेनी एप्पल डिड बेला गाय बाय। आई थिंक आप हंस गए होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा वीकली टेस्ट वन में भी आया था, और मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया है क्योंकि आपका सभी का ये क्वेश्चन गलत गया था, तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आप गलत क्वेश्चन पे काम करते हो या नहीं करते हो। तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ वापस से 1 मिनट, टाइम स्टार्ट नाउ। अगर आपका अभी भी गलत होता है तो फिर बेटा काम करने की जरूरत है, फिर आप गलत क्वेश्चनों को सीरियसली ले नहीं रहे, है ना। फिर प्रैक्टिस करने का फायदा क्या है, जो सही है वो तो सही है, गलत करने को अगर हम सही नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। जी, टाइम खत्म होता है, आंसर है 128। हो सकता है आपको आंसर याद हो लेकिन एक्सप्लेनेशन आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं है डिजिट सेम रहे, डिजिट बदली तो आपका आंसर गलत हो सकता है। सबसे पहले वो कह रहा है कि बेला ने चिल्ड्रन बुलाए, तो चिल्ड्रन मैं मानता हूँ 4x आए, 4x, ठीक है, और जिसमें से गर्ल्स हो गई y, ठीक है। और वो कह रहा है केवल क्वार्टर स्टूडेंट्स नहीं आए, मीन्स 3/4 आए, तो 4x का 3/4 हो गया 3x, तो 3x चिल्ड्रन ही आए, ठीक है। तो जिसमें से 16 लड़के थे तो y तो गर्ल्स थी, और 16 लड़के थे, y प्लस 16 कितना हो गया 3x, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई, y तो हो गई हमारी गर्ल्स और 16 बॉयज हो गए, तो y प्लस 16 इज इक्वल टू कितना हो गया 3x, ठीक है। अब देखिए, अगर वो 4x पीपलों को बुलाती है तो एप्पल कितनी लाएगी, 8x, 8x एप्पल हो गए, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हर लड़की को पहले जितना देना चाह रही थी उससे एक ज्यादा दिया, मीन्स हर लड़की को पहले ही 2 मिल रहे थे तो एक और ज्यादा दे दिया, तो कितना हो जाएगा 3, तो y गर्ल्स थी तो कितना हो जाएगा 3y, ठीक है। और 16 बॉयज थे, 16 बॉयज को तो वही दुगना मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा 32, तो 32 प्लस 60y, वो 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8x, 32 तो हुए बॉयज और 3y मीन्स गर्ल्स को जो मिलने वाले एप्पल है वो, उनका टोटल कितना हो जाएगा 8x। अब मैं y की वैल्यू यहाँ से पुट कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने y की वैल्यू पुट करी, कितना आ जाएगा 3x माइनस 16। रखिए, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 16। जब x की वैल्यू 16 आ जाएगी तो वो पूछ रहा है कितने एप्पल उसने खरीदे, बताइए एप्पल उसने कितने खरीदे, 8x। तो मैं 8 में x से मल्टीप्लाई करूंगा, मीन्स 8 × 16 करूंगा, 8 × 16 करूंगा तो कितना आ जाएगा 128।
समझ में आ गया अब सबके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता इंट्रोड्यूसिंग ए मैन टू हर हस्बैंड राम टोल्ड, ग्रैंडफादर ऑफ हिज सन इज ओनली ए सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, हाउ सीता इज रिलेटेड टू दैट मैन। बताइए, टाइम स्टार्ट नाउ। हो गया होगा बेटा, आंसर कितना आया? आंसर आया बी, सिस्टर। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझो, सीता क्या कह रही है एक आदमी के बारे में कि इसके बेटे के दादाजी। ठीक है, किसी आदमी होता है, कोई भी आदमी होता है, उसका बेटा हुआ और उस बेटे के दादाजी, तो कुल मिला के उस आदमी के पिताजी की बात कर रहा है। ठीक है, तो सीता क्या कह रही है डायरेक्टली कि इस आदमी के पिताजी, आदमी के पिताजी तो हुआ, क्या कह रही है कि अगर इसके बेटे के दादाजी मीन्स पिताजी हुआ, तो डायरेक्टली बोल रही है कि इस आदमी के पिताजी। तो ये हमारी पहली क्वेश्चन हो गई। दूसरी क्या कह रही है मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, मीन्स मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, दादाजी का इकलौता बेटा क्या हुआ, हमारा भी तो पिता ही हुआ, तो मीन्स इस आदमी के पिता और मेरे पिता दोनों सेम है। बताइए, जब एक लड़का और एक लड़की के पिता सेम होते हैं तो वो लड़का और लड़की क्या कहलाते हैं, है ना? आप भी समझ सकते हो कि अगर आप एक गर्ल है, आपका भैया है, दोनों अपने पापा को पापा ही बोलेंगे, तो बताइए आप दोनों में क्या रिलेशन हुआ, ब्रदर सिस्टर का हुआ नहीं हुआ? तो यहाँ पे पूछ के सीता क्या लगी, तो सीता क्या लगी, सिस्टर। ये इसका ग्राफ हुआ। सीता कह रही है यहाँ पे कि इस आदमी का बेटा उसका दादाजी, मीन्स इसके पिताजी, और मेरे दादाजी के पिताजी बेटे वो सेम, तो मीन्स ये इसी की संतान हुई, तो ये भाई बहन हुए, तो वो बोल रही है सीता क्या लगी, सिस्टर लगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई रन अलोंग द साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ए बी सी डी वेयर सी इज टू नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए एंड डी इज द साउथ ईस्ट ऑफ बी, स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, In which direction shall I running after crossing B? बताइए। बनाइए डायग्राम। कई बच्चे स्किप करते हैं, लेकिन बेटा स्किप नहीं करना है, मैं आपको ऑलरेडी उतना ही टाइम दे रहा हूँ जितना आपको इस क्वेश्चन में लगना चाहिए। तो अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है जिससे आप एनटीएससी एग्जाम में बैठो और आपका आंसर उसी टाइम में आए, तो आपको बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखनी है जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो। ठीक है, आ गया आंसर है बेटा साउथ। गलत गया है, सही गया? ठीक है, बताता हूँ। ये हमारा स्क्वायर हुआ, क्या कह रहा है, जो सी है वो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। अब आप देखिए ये होता है हमारा डायरेक्शन। ठीक है, ये हुआ एन, ये हुआ ई, ये हुआ डब्ल्यू, ये हुआ एस। नॉर्थ ईस्ट मीन्स यहाँ पे, तो सी ये हुआ यहाँ पे। अब वो कह रहा है और डी है हमारा जो साउथ ईस्ट में होना चाहिए, तो साउथ ईस्ट में। अब वो कह रहा है कि
ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ए से, तो यहां से गया, फिर ये गया, फिर ये गया। अब वो कह रहा है बी से ए पे आने के लिए मुझे किस डायरेक्शन में आना पड़ेगा, तो मुझे इस डायरेक्शन में आना पड़ेगा, मीन्स ये वाली डायरेक्शन। और ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? साउथ। तो हमारा आंसर हो गया साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सेवंथ डे ऑफ मंथ इज 3 days अर्लियर देन फ्राइडे, देन व्हाट विल बी द डे ऑन 19th डे ऑफ मंथ। ये आपका टेस्ट है बेटा, वीकली टेस्ट 1 का भी ये क्वेश्चन है। मैं आपको चेक कर रहा हूं कि आप पिछले टेस्ट को सीरियसली देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। अगर देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, नहीं देख रहे हैं तो बेटा टफ पड़ेगा। और जिन्होंने ये डायरेक्टली वीकली टेस्ट 6 देखा है, तो बेटा 5 वीकली टेस्ट लग चुके हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर थर्सडे को सुबह 7 बजे से पहले वीडियो अपलोड कर दूँ, जिससे आप उसको देख सकें और अच्छी प्रैक्टिस कर सकें। आगे आंसर, आंसर है संडे। कैसे? देखिए वो कह रहा है सातवें दिन की बात कर रहा है, और वो कह रहा है फ्राइडे से 3 दिन पहले था, जो सातवां दिन था वो फ्राइडे से 3 दिन पहले था। तो फ्राइडे से 3 दिन पहले मीन्स थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मीन्स जो सातवें दिन था वो था ट्यूसडे। अब आपको पता है हर 7 दिन के बाद रिपीट होता है, तो 7 दिन, फिर 14 डेज, फिर 21 डेज, तो 21 डेज जो होगा उस दिन भी क्या होगा? ट्यूसडे। तो 21 डेज को जो होगा वो भी ट्यूसडे होगा, लेकिन वो पूछ रहा है 19, मींस 2 कम, तो ट्यूसडे से मैं 2 दिन पहले क्या आऊंगा, तो हुआ मंडे और संडे, तो आंसर हो जाएगा संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, काउंट कीजिए बेटा। कोई भी ट्राइंगल बचना नहीं चाहिए, सभी ट्राइंगल को काउंट कर लो, और एक ट्राइंगल 2 बार नहीं काउंट कर लेना, नहीं तो वो भी गलत हो जाएगा। आराम आराम से करना बेटा। जी टाइम खत्म, टाइम हुआ, आंसर है बी, ठीक है 16। ये रहे आपके 16 ट्राइंगल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है 16 फिगर हो गए। अगर नहीं आते तो आप देख लीजिए कौन सा फिगर आपसे छूट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अल्टरनेटिव इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ फिगर वुड कंप्लीट द पैटर्न, बताइए। इतना सिंपल नहीं है जितना आपको लग रहा है। क्या आंसर आया? आंसर है इसका सी, ठीक है। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसी फिगर में बनाएंगे, यहाँ पे मैंने सर्किल बनाया, इसके बाद ये ट्राइंगल मिला, ठीक है।
अब देखिए ये लाइन कंप्लीट होगी तो ये ऐसे बनेगा कुछ, तो ये वाला फिगर जो है वो गलत हो गया। उसके बाद आप देखिए ये लाइन पूरी जा रही है तो ये लाइन भी पूरी जा रही है, यहाँ पे ये लाइन पूरी जाएगी तो ये लाइन भी पूरी जाएगी ऐसे, ठीक है। तो देखिए केवल यही फिगर है जिसमें ये पूरी लाइन जा रही है, नहीं तो ये कट रहा है, यहाँ पे भी कट रहा है, यहाँ पे भी कट रहा है। तो आंसर आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट फिगर ऑफ द फॉलोइंग फिगर सीरीज। लगाइए दिमाग, एक एक एलिमेंट में दिमाग लगाओगे तो पूरी सीरीज सॉल्व हो जाएगी, अगर पूरे फिगर को देखोगे एक साथ नहीं होगा सॉल्व। हो गया आंसर है ए। किस तरीके से किया बेटा, इस एलिमेंट को देखो, इस वाले को, ये गायब हुआ तो ये हमारे नेक्स्ट टर्म आ गई, तो अब ये वाला गायब होगा तो ये भी आ गया, अब ऊपर वाला गायब हुआ तो ये वाला आ गया, अब नीचे वाला गायब होगा देखो, तो नीचे वाला गायब होगा तो देखो पहली आई तो है, फिर दो लाइन, फिर जो हमारा ये वाला हो चुका है देखिए, ये वाला है ये भी आएगा, और जो इधर वाला है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। आप उसको वापस से देखेंगे तो आपका बिल्कुल अच्छे से आंसर आ जाएगा। एक एक एलिमेंट पे ध्यान दीजिए, आपका आंसर जरूर आएगा, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1260 12 15 डिवाइड 7। दिखने में सिंपल लग रहा है लेकिन गलत मत कर देना बेटा। बताइए क्या आंसर आया, आंसर आएगा 12। किस तरीके देखेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 1260 डिवाइड बाय 15। जब मैं 1260 में 15 का डिवाइड दूंगा तो आंसर आएगा 84, और फिर 84 में मुझे 7 का डिवाइड देना है, जब 84 में मैं 7 का डिवाइड दूंगा तो आंसर आएगा 12। तो अगर आपके दो डिवाइड वाले साइन आ जाए तो आपको क्या करना है, पहले पहले डिवाइड वाला करना है, फिर दूसरा दूसरा डिवाइड वाला करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए ग्रुप ऑफ लेटर इज गिवन विच आर द नंबर 1 2 3 4 5, बिलो आर द फोर अल्टरनेटिव आर गिवन, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन विच फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड। आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5, RACET, इसका मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। अब मीनिंगफुल वर्ड बनाओगे तो जो नीचे नंबरिंग है वो किस क्रम में आएगी वो बताना है, ठीक है। टाइम स्टार्ट नाउ।
आ गया होगा। इसका मीनिंगफुल वर्ड है ट्रेस, TRACE। बताइए टी कौन सी टर्म है, 5, फिर आर कौन सी है, 1, फिर ACE मीन्स 2, 3, 4। तो हमारा आंसर हो गया 5, 1, 2, 3, 4, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ए इज शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन ई, सी इज द टॉलेस्ट एंड डी इज द शॉर्टर देन ए एंड टॉलर देन ई, विच वन इज द शॉर्टेस्ट, बताइए। आई थिंक सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, हो गया होगा। आंसर है इसका बॉल मीन्स ई सबसे छोटा है। देखिए क्या कह रहा है, ए छोटा है बी से और टॉलर है ई से, मीन्स जो बेचारा ई है वो सबसे छोटा रह गया। तो इसका क्रम जो आएगा अब मिला के देख लेना, ये आएगा CBADE मीन्स ई सबसे छोटा, डी उससे बड़ा, ए उससे बड़ा, बी उससे बड़ा और सी इज टॉलेस्ट। तो ये तो कह ही रहा था कि सी सबसे बड़ा है, तो सी तो गिवन है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ई, सबसे छोटा कौन है, ई, आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द बेस्ट वेन डायग्राम फॉर क्लेवर पंक्चुअल एंड पुअर। बताइए क्या आंसर आएगा इसका, आंसर हो गया बेटा ए। ठीक है, जो क्लेवर है वो पंक्चुअल हो भी सकता है, पुअर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। पंक्चुअल जो है वो क्लेवर भी हो सकता है, पुअर भी हो सकता है, और जो पुअर है वो क्लेवर भी हो सकता है, पंक्चुअल भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो क्लेवर है वो गरीब नहीं हो सकता, या फिर ऐसा नहीं है कि जो गरीब है वो क्लेवर नहीं हो सकता। ठीक है, सब कुछ हो सकता है, इसलिए हमारा पहला फिगर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो, 129, 145, 38, 11। सत्येंद्र की डिमांड थी कि सर पिरामिड वाला क्वेश्चन दीजिए, तो पिरामिड वाला क्वेश्चन बेटा सत्येंद्र आपके लिए। हुआ
जी आंसर है 3615। सब पे नहीं आया होगा, थोड़ा समझो क्या लिखा हुआ है। 129, ये 129 नहीं है, 129 है। तो बेटा आपको पिरामिड में ढूंढना है 129 कहाँ पे है। देखो 129 ये रहा, ठीक है। फिर ढूंढिए 145 कहाँ पे, तो 145 बेटा ये रहा, ठीक है। तो मैंने देखो एक शेप बना दी, एक ट्राइंगल जैसी, ऊपर से आ रहा है और वही पकड़ के नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यही जो शेप है वो 3811 बनेगी। अब 3811 ढूंढिए, ये रहा 3811, ये रहा। अब इसकी शेप बनानी है तो ये आंसर आ जाएगा 3615, ठीक है। तो ये हमारा पिरामिड जैसा क्वेश्चन है, आपको इधर की तरफ कोई शेप बना के देगा, वही शेप आपको इधर बना के देनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपके पास आ जाता है तो बोनस क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है। अब वापस से कर लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट, डी डब्ल्यू जी टी के पी एफ आर। बताइए क्या आंसर आएगा। आंसर बेटा आएगा डी एफ आर। किस तरीके से भैया, बेटा आप देखेंगे इन दोनों का जो टोटल है, डिजिट का टोटल, मिस डी का हुआ 4 और डब्ल्यू का हुआ 23, तो इनका जो टोटल आएगा वो कितना आएगा 27। तो आप सभी का देख लिए, जी का हुआ G7 और टी का हुआ 20, 20 और 7 27, K का हुआ 11 और P का हुआ 16, 11 और 16 कैसा हुआ 27, ठीक है। लेकिन यहाँ पे F का हुआ 6 और R का हुआ 18, ठीक है। 6 और 18 कितना हुआ 24, ये हमारा बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग करेक्टर। आई थिंक आप सबने कर दिया होगा। देखिए पहले फिगर और दूसरे फिगर में क्या समझता है कि जो अंदर वाला फिगर था वो तो बाहर आ गया और जो बाहर वाला फिगर था वो अंदर आ गया। इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा, बाहर वाला फिगर वो आ जाएगा अंदर और अंदर वाला फिगर चल जाएगा बाहर। तो आपका आंसर कितना हो गया, हमारा आंसर हो गया सी। आई थिंक आप सभी का सही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ट्रू इमेज। फसल है, फसल के नीचे लगा हुआ है, ठीक है। बेटा कई बार मिरर इमेज दे देता है, लेकिन वो आपको मिरर इमेज दे दे और मिरर नहीं लगे, तो आपको मिरर इमेज निकालनी है। लेकिन मिरर इमेज बोल के भी अगर नीचे मिरर लगा रखा है उसका मतलब भी क्या है, वाटर इमेज ही निकालनी है। कुल मिला के मिरर की पोजीशन अगर दे रखी है तो उस पर सबसे पहले ध्यान देना है। ऊपर कुछ भी दे रखा हो कोई बात नहीं, आपको आंसर निकालना है इसका मिरर इमेज क्या होगी, वाटर इमेज निकालनी है, सॉरी। आई थिंक आप सभी का हो गया, हमारा आंसर है बी। तो बच्चों
आपको कमेंट करके बताना है आपके कितने मार्क्स आए, ये भी कमेंट करके बताना है कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, अगर गलत हुआ तो किस कारण की वजह से हुआ, आपके अगर ट्राइंगल कोई मिस हुआ तो वो भी कमेंट करना है। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप इन पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा।